सो हाय गाइस, आदर्श हियर। यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ईसी इंजीनियरिंग या फिर ईआईई, ईटीसी, ईसीआईई मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इन सारे इंजीनियरिंग करने के बाद आप लोगों के पास कौन कौन से स्कोप्स मौजूद हो सकते हैं और 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो कि आप लोगों को मिल सकते हैं। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक ताकि हो जाए सारे डाउट्स क्लियर। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय डाउटनेट। यहाँ पे आप लोग आई टी जेई मेंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करनी है कि व्हाट्सएप लिंक से जाके इसे ज्वाइन करना है। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों को स्नैप करनी है, क्रॉप करके आप लोगों को इसे सेंड करना है इस व्हाट्सएप ग्रुप पे। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे स्नैप किया, क्रॉप कर रहा हूँ इसे, अभी से मैंने रोटेट करके सेंड कर दिया। सेंड करने के कुछ ही छंद मिनटों में या फिर सेकंड में आप लोगों को देखिए यहाँ पे सोल्यूशन आना स्टार्ट हो चुका है। देखिए काउंट करने के लिए बोला गया, उसके बाद देखिए उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। क्वेश्चन देखें, लिंक पर क्लिक करें और यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट पे आप लोगों को ले जाया जाएगा। अब आप लोग या तो यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हो या फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऐप पे आप लोग जा सकते हो, ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, दोनों में से कोई एक काम करें। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए वीडियो सोल्यूशन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो व्हाट्सएप लिंक पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके ज्वाइन। तो बेसिकली यार हम लोग जब ईसी इंजीनियरिंग ले रहे होते हैं या फिर किसी से हम लोग सुन रहे होते हैं तो हम लोग को एक चीज़ सुनने में आता है हमेशा, वो चीज़ ये होती है कि ईसी इंजीनियरिंग अगर आप करोगे या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करते हैं या फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग करते हैं तो इससे आप लोगों को दो फायदा मिलेंगे। कौन सी दो फायदा? सबसे पहले बोलते हैं कि आप कोर कंपनीज में भी जा सकते हैं और दूसरे बात लोग कहते हैं कि आप आईटी या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ हम लोग सुन के हम लोग ईसी इंजीनियरिंग की ओर भागे चले आते हैं। और एक अगर मैं मज़ेदार बात बताऊँ तो अगर आप टोटल इंजीनियर्स लो, अगर एक साल में 10 लाख या 12 लाख इंजीनियर्स बनते हैं तो उस 10-12 लाख इंजीनियर्स में से तकरीबन 3 लाख इंजीनियर ईसीई डिपार्टमेंट से होते हैं। तो चलिए अब आगे मैं इलस्ट्रेशन करके बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे कौन कौन से जॉब्स आप लोगों को मिल सकते हैं और उसमें ग्रोथ रेट कैसी होती है, कितने लाख से सैलरी स्टार्ट होती है और कितने लाख तक वो एंड कर सकती है। तो सबसे पहले यार मैं बता दूँ, आज की हमारी टॉपिक तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर है। अब हमारी ईसी में जो जॉब होती है मेनली वो दो सेक्टर में होती है या फिर दो टाइप की वो जॉब होती है। सबसे पहली होती है हमारी हार्डवेयर, इसको हम लोग कोर जॉब भी कहते हैं, और दूसरी जॉब हमारी होती है वो है सॉफ्टवेयर जॉब्स। ठीक है, अब हार्डवेयर जॉब्स में हमारी 3 चीज़ें होती है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होती है। और सॉफ्टवेयर में भी हमारी 3 डिपार्टमेंट होती है, कोडिंग, टेस्टिंग और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अच्छा एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया आप जब वीडियो बता रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर बताना कि कौन से डिपार्टमेंट में मैं जाऊँ जिसमें मुझे ज़्यादा पैसे वो मिले, वो भी चीज़ मैं बताऊँगा। तो वीडियो को एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से सुनना। अच्छा तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हो, अगर इसमें अगर आप जॉब चाहते हो तो इसमें सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। इसमें सैलरी तकरीबन आपको 40,000 से 50,000 के बीच में इसमें आपको सैलरी वो मिलेगी। इसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज, कोर जॉब की सबसे मज़ेदार बात क्या है कि इसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज मतलब जो आप अभी डे टू डे सब्जेक्ट्स जो अभी आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर से, कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ोगे, सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ोगे, एनालॉग डिजिटल ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, फिर और भी बहुत सारी जो सब्जेक्ट्स आती हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ोगे उन सब्जेक्ट्स की नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही में आप लोगों के मैथमेटिक्स जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है उस मैथमेटिक्स में आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ वो होनी चाहिए। तो इसमें आपको सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट जो है ये दोनों चीज़ें आप लोगों की मजबूत होनी चाहिए। दूसरा आता है हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट। रिसर्च डिपार्टमेंट जो होती है ये सबसे ज़्यादा सैलरी आप लोग कह सकते हो एक तरीके से इसमें आप लोगों को मिलती है। कोर जॉब में रिसर्च में अगर आप जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिलती है, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा से आप लोगों की सैलरी स्टार्ट होती है, 1.5 लाख 2 लाख तकरीबन आप लोगों को सैलरी स्टार्ट होती है, मतलब कि 20 लाख से 25 लाख की पैकेज की आप लोगों को जॉब लग जाती है। इसमें आप लोगों को प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको वो सब्जेक्ट नॉलेज जैसे कि आपकी मैथ्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, कंट्रोल सिस्टम अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्शन है, इसमें आप लोगों को ओवरऑल सब्जेक्ट की अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है तो आपको प्रोडक्शन एरिया में जॉब लगती है, तकरीबन 35,000 से 40,000 की आप लोगों को जॉब वो मिल जाती है। अब आते हैं हमारी सॉफ्टवेयर जॉब, जिसमें हम लोगों को जिसको हम लोग हाई सैलरी जॉब्स कहते हैं या फिर इसमें हम लोगों की जॉब्स की जो रेट होती है इंक्रीजिंग रेट ये काफ़ी होती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जॉब्स में से बेसिकली 3 टाइप के जॉब्स आप लोगों को करने को मिलेंगे। पहला है कोडिंग जिसमें प्रोग्रामिंग करना होता है, दूसरा टेस्टिंग, कुछ प्रोग्राम्स पे अगर कुछ बग्स आ जाते हैं जैसे कि अगर आप फेसबुक में काम करते हो या फिर ये सब होता है ना माइक्रोसॉफ्ट में अगर काम करते हो, एडोबी में काम करते हो, तो इन सारे जगह में आप लोगों को टेस्टिंग के ऊपर भी जॉब्स मिलता है और R&D के ऊपर भी आप लोगों को जॉब्स मिलता है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जॉब मिलता है। ध्यान में रखें एक बात, कहीं पर भी किसी भी सेक्टर में चाहे वो सॉफ्टवेयर सेक्टर हो या फिर हो या हार्डवेयर सेक्टर हो, उसमें
रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में रिसर्च करके और किसी चीज को डेवलप करेंगे अगर आप, तो उस चीज में आप लोगों को पर्क्स और सैलरी सबसे ज्यादा मिलती है, लाखों या फिर करोड़ों में भी सैलरी वो मिलती है जो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में मिलती है। तीसरी बात, सॉल्यूशन एंड आर्किटेक्ट आती है वो सॉफ्टवेयर कंपनी में, इसमें आप लोगों को बेसिकली डिजाइन करना होता है, सर्किट्स डिजाइन करने होते हैं यूजिंग गेट्स, मतलब सॉफ्टवेयर, जैसे कि देखो यार अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो सिर्फ अगर आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो आपको एक जॉब अच्छी खासी लग सकती है, लेकिन अगर आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ अगर आपको हार्डवेयर के भी नॉलेज है तब आपको जो सैलरी लगेगी वो आप लोगों को दूसरे से अलग करेगी और काफी बड़ी सैलरी लगती है। उन दोनों चीज को, सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को एक साथ लेकर चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो भी बच्चे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक साथ लेकर चलते हैं और कहीं ना कहीं उनकी हार्डवेयर पार्ट भी मजबूत होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर, एनालॉग, डिजिटल, गेट्स के बारे में नॉलेज, ये सारी चीज़ें भी अच्छी होती है और साथ ही साथ उन्हें सॉफ्टवेयर भी अच्छा, सॉफ्टवेयर नॉलेज भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर अच्छा होता है, एल्गोरिदम अच्छा होता है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग उन्हें अच्छी से आती है और सारी चीज़ें जो आती है, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको आएंगी तो आपका ग्रोथ रेट, मतलब मैसिव ग्रोथ रेट होता है, मतलब अगर आपकी सैलरी अगर 5 लाख से भी स्टार्ट होती है तो उस 5 लाख की सैलरी को 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अब हम लोग बेसिकली जॉब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है हमारा पब्लिक सेक्टर, दूसरा है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ये 3 सेक्टर में हमारी जॉब जो है वो डिवाइड होती है। अब तीनों के पर्क्स, ये सैलरी जो है वो अलग अलग है, तीनों में जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, तो उन सारी चीज़ों को जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी बच्चे मेरे से अभी ये भी पूछ रहे थे कुछ दिन पहले कि भैया गेट की वीडियोस बनाओ, तो गेट की वीडियो बनाने से पहले ये चीज़ें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, ये तो अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया, अभी मैकेनिकल, सिविल, सारी चीज़ों के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके वीडियोज को लेके आऊँ। ठीक है, तो अगर आपको पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, 3 सेक्टर्स आ गए। अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है तो कौन कौन सी कंपनीज आपको हायर करेगी, जैसे कि IOCL हो गया, भेल हो गया, NTPC, ये सारे PSUs हैं, PSU, ये सारी कंपनी आप लोगों को, अगर आप IITs में हो या फिर टॉप NITs में हो, तो ये सारी कंपनीज आपके कॉलेज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आती है, गेट की एग्जाम आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में हो या फिर NITs या IITs में भी हो, अगर आप गेट की एग्जाम देते हैं उसमें अगर आपके टॉप 300 या 400 रैंक आते हैं तो ये कंपनीज आपको फिर लेके जाती है। ठीक है, मेनली इसमें आप लोगों को हार्डवेयर जॉब्स करना पड़ता है। कौन सी जॉब करनी पड़ती है? हार्डवेयर जॉब। हार्डवेयर जॉब क्या होता है ये तो यहां मैंने जब बताया था, हार्डवेयर या कोर जॉब क्या होता है तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिजाइनिंग करना पड़ता है उसमें आप लोगों को, रिसर्च करना पड़ता है और प्रोडक्शन, इन 3 चीज की जो काम होती है ये होता है हमारा हार्डवेयर जॉब में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पब्लिक सेक्टर में ये सारी कंपनी जब लेके जाएगी तो ये सारे जॉब्स आप लोगों को करने पड़ेंगे। और इसकी सैलरी जो आप लोगों को मिलती है वो 60 से 70 हज़ार रुपये पर महीने के हिसाब से आप लोगों को मिलती है। और अगर आपके रैंक गेट में सपोज अगर आपको 50 रैंक या 40 रैंक या 30 रैंक आती है तो यही चीज़ें फिर बढ़ के तकरीबन 1 से 2 लाख के बीच में भी हो जाती है। ठीक है, 1 से 2 लाख के बीच में भी हो जाती है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ इसकी लीनियर होती है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अगर अभी 15 लाख का जॉब लगा तो 4 साल के बाद वो 25 लाख या 30 लाख जॉब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसमें ग्रोथ जो होता है वो लीनियरली ग्रोथ करता है, मतलब 15 लाख है, 15 लाख 20 हज़ार होगा, 16 लाख होगा, 16 लाख 50, 17, ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि 15 से डायरेक्ट 25 हो जाएगा, ऐसी ग्रोथ इसमें नहीं होती है चाहे आप कितना भी एफर्ट डाल लो। ठीक है, दूसरा हमारा आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में एक आती है हमारी बैंक की जॉब आती है, जहाँ पे बैंक में आप लोगों को एज ए इंजीनियर, एज एन असिस्टेंट इंजीनियर आप लोगों को रखा जाता है। दूसरी जॉब आती है हमारी SSC JEE। SSC हमारा स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन जो होता है, वहाँ पे आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स जो वो मिलते हैं एज ए पोस्ट ऑफ इन ए पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। एज ए जूनियर इंजीनियर आप लोगों को रिक्रूट किया जाता है, वहाँ पे सैलरी आप लोगों को काफ़ी कम मिलती है स्टार्टिंग में, तकरीबन 35 से 40 हज़ार मैक्स टू मैक्स आप लोगों को मिलती है, लेकिन पर्क्स आप लोगों को काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी पब्लिक सेक्टर के ऊपर मैं एक और वीडियो, PSU के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिलते हैं। ये 50 हज़ार या 60 हज़ार या 70 हज़ार ये तो सारी चीज़ें दिख रही है, लेकिन इन सारे जॉब्स में आप लोगों को मेनली क्या फ़ायदा मिलता है वो बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैं आगे की वीडियो में कवर करूंगा, अगर आप लोग बोलोगे कि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ कि PSU जॉब लाइफ कैसी होती है। ठीक है, तो इसमें आपको बैंक में या SSC JEE या फिर DRDO, ISRO, ERDE में अगर आपको जाना है तो ये हो गई हमारी ECE डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स। इसमें आप लोगों को मिली हार्डवेयर जॉब करना पड़ता है और थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। एक बात आप लोग ध्यान रखें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी सेक्टर में आप जॉब करने जाओ या फिर आप गेट करो या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट जाते हो तो बेसिक नॉलेज आप लोगों से वो मांगते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को कोडिंग आना चाहिए। जैसे कि
आजकल की एक ऐसी वक्त आ गया, फिर ऐसा समय आ गया है जहाँ पे कोडिंग की एक अलग सी महत्व होती है, या फिर कहूँ तो एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि हम लोग बचपन में भी कैसे हम लोग ABCD पढ़ते थे, वैसे ही USA या फिर UN या फिर UK ये सारे जगह में अभी कोडिंग पढ़ाई जाती है बच्चों को, क्योंकि कोडिंग हमारे जिंदगी को बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। ठीक है, तो कोडिंग हल्का लिटिल बिट ऑफ कोडिंग लाइक सी प्रोग्रामिंग, C++, पाइथन के बेसिक्स तो आप लोगों को आने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसमें आप लोगों को मिली हार्डवेयर जॉब्स लगता है और सैलरी 50,000 से 60,000 तक होती है, लेकिन इसके साथ जो आप लोगों को इज्जत मिलता है वो इज्जत काफ़ी बड़ी इज्जत मिलती है। इसमें भी ग्रोथ जो होता है वो लीनियर होता है, धीरे 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 करके आपकी सैलरी बढ़ती है। तीसरा जॉब आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर जॉब, जिसमें काफ़ी आदमी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। दो कारण है, इसमें आप लोगों की या तो सैलरी बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें आप लोग कॉन्स्टेंटली 4 साल 5 साल 10 साल तक जॉब करते रह जाओ, आपकी 3 लाख की सैलरी 4 लाख जाते जाते एंड हो जाएगी। ये प्राइवेट सेक्टर, ये चीज़ देखा जाता है प्राइवेट सेक्टर में कि आपके पास कितना ज़्यादा ब्रेन है, आप में कितनी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन करने की शक्ति है, और आप किसी चीज़ को कितना ज़्यादा आसानी से और कितना ज़्यादा एफर्टलेसली कर सकते हैं। क्या वो काम दूसरा लोग जो नहीं कर सकते, क्या वो काम आप कर सकते हैं? अगर उस चीज़ को आप एफिशिएंट वे में कर सकते हो तो जो सैलरी उसको मिल रही है उसकी जॉब को हटा के उसकी सैलरी भी आपको मिल जाएगी। मतलब आपकी 5 लाख की सैलरी थी, उसकी भी 5 लाख की सैलरी थी। जैसे कि आप लोगों को सुनने में आता होगा कि सॉफ्टवेयर कंपनी से बहुत सारे लोगों को डंप कर दिया जाता है, 40,000 लोगों को निकाला गया, 25,000 लोगों को निकाला गया, आइडिया कंपनी से 35,000 या फिर 30,000 लोगों को हटा दिया गया, ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनने को आप लोगों को मिलता है। क्योंकि जो आदमी यूजलेस होंगे उसको निकाल दिया जाएगा, और अगर आप कंपनी के लिए यूजफुल हो गए तो आपकी सैलरी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। मतलब 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख, ऐसे करके ग्रोथ भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में मिल रही आप लोगों को यार हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी, दोनों टाइप के जॉब्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं देखने को। ठीक है, और जो कंपनी आप लोगों को लेके जाती है वो है इसमें आपको सैमसंग हो गया, IBM हो गई, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, LG हो गई, Adobe हो गई। तो ये सारी बेसिकली मैं कुछ कुछ कंपनीज के नाम बताया जो कि आप लोगों को मेनली लेके जाती है। ठीक है, तो मैंने फिर से कह दिया कि फिर से कह रहा हूँ मैं कि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए दोनों चीज़ें की। ठीक है, और आपकी स्पीकिंग स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, आपका रहन सहन, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनैलिटी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्राइवेट सेक्टर की जॉब में। अगर ये चीज़ें आप लोगों के पास नहीं होगी और 4 साल में अगर इन चीज़ों को अगर आप डेवलप करने में नाकामयाब रहते हो तो ध्यान रहे यार कि फिर इन सेक्टर में जॉब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी 3 लाख पर साल से लेके 2 करोड़ पर साल, मतलब कि तकरीबन कितने हो गए, मतलब 20-25 लाख रुपए आप लोगों को हो सकता है कि 1 महीने के भी मिल सकते हैं, या फिर आप लोगों को 25-30 हज़ार रुपये पर महीने भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कौन सी काम को कितने ईजिली कर सकते हैं, क्या आपकी कोडिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, क्या आप कोडिंग स्किल प्रोग्रामिंग वगैरह आप लोगों की काफ़ी अच्छी है कि नहीं है, कॉम्पिटेटिव कोडिंग आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, लाइव प्रॉब्लम्स आप लोगों को दी जाएंगी, क्या उस लाइव प्रॉब्लम्स को आप लोग तुरंत में आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। इसमें अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ यार इसमें एक्सपोनेंशियली आप लोग देख सकते हो। एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो जाता है तो एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी सैलरी जो है वो मैसिव ग्रो कर जाती है। तो यही थी यार कुछ मैं ECE डिपार्टमेंट के बारे में जो आप लोगों को जॉब इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, क्योंकि अभी ECE डिपार्टमेंट में जब आप आए हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार किस लाइन में आप जा सकते हो, या फिर कोई इंसान अगर आपसे पूछे तो आप उसे बता सको। तो बींग एन ECE इंजीनियर मैंने कोशिश किया कि मैंने कुछ रिसर्च वगैरह किया था कि किस सेक्टर में मेरे को जाना चाहिए, फिर कौन से सेक्टर मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है पता है, अगर वीडियो ना पसंद आया तो भी पता है आप लोगों को क्या करना है। एक काम ज़रूर करें कि आप लोगों के अभी ECE डिपार्टमेंट की कॉलेज की ग्रुप ज़रूर बन गई होगी, तो मेक श्योर कि दोस्तों के साथ वहाँ पर शेयर करें आप लोग, क्योंकि जितने लोगों तक पहुँचेगी उतनी अच्छी होगी यार ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन। बाकी और वीडियोस जो भी चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, मिलता है अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।